हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है चलिए स्टार्ट करते आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आई एग्जाम के लिए स्पेशली जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है विच केसिंग इज यूज इन बेबी गारमेंट देखिए इसमें पूछा क्या है बेबी गारमेंट में हम किस केसिंग का यूज करते हैं ऑप्शन ए है केसिंग विद कैनवास ऑप्शन बी है केसिंग विथ इलास्टिक ऑप्शन सी है केसिंग विद बैंडिंग ऑप्शन डी है केसिंग विथ पाइपिंग तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केसिंग विद लास्टिक हम केसिंग के साथ में लास्टिक का यूज करते हैं बेबी गारमेंट में बच्चों के कपड़े में इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केसिंग इज़ यूज इन पेटिकोट देखिए इसमें पेटिकोट में पूछा गया है कि हम किस किस केसिंग का यूज़ करते हैं ऑप्शन ए है केसिंग विद ड्रॉस्टिंग ऑप्शन बी है केसिंग विद फोल्डिंग ऑप्शन सी है केसिंग विद प्लास्टिक ऑप्शन डी है केसिंग विद कैनवास तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केसिंग विद ड्रॉस्टिंग हम केसिंग विथ ड्रॉस्टिंग का यूज़ करते हैं पेटीकोट में इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गैदर्स देखिए गैदर का फंक्शन पूछा गया है कि गैदर्स का क्या काम होता है कपड़ों में ऑप्शन ए है स्टिचिंग इन ए गारमेंट ऑप्शन बी है कंट्रोलिंग इन ए गारमेंट ऑप्शन सी है फिनिशिंग इन ए गारमेंट ऑप्शन डी है डेकोरेटिव इन ए गारमेंट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डेकोरेटिव इन ए गारमेंट एक गारमेंट में सजावट का, का काम करता है गैदर्स इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेथड ऑफ शेयरिंग इन इज यूज ऑन गारमेंट देखिए पूछा गया है कि कितने मेथड होते हैं सीयरिंग को एक कपड़े में यूज़ करने के ऑप्शन ए है वन मेथड ऑप्शन बी है टू मेथड ऑप्शन सी है लिमिटेड मेथड ऑप्शन डी है पॉपुलर मेथड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वन मेथड सियरिंग का जो है एक ही मेथड होता है कपड़ों में करने का वो है एक मेथड इसीलिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ शेयरिंग देखिए इसमें शेयरिंग का फंक्शन पूछा गया है कि क्या है ऑप्शन ए फुलनेस ऑप्शन बी है कंट्रोलिंग ऑप्शन सी है डेकोरेटिव ऑप्शन डी है कंट्रोलिंग फुलनेस इन ए गारमेंट तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फुलनेस फुलनेस दिखाने के लिए हम लोग शेडिंग का यूज करते हैं इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश टाइप इज एक्सीलेंट चॉइस ऑफ द शेयरिंग देखिए इसमें पूछा गया है कि सीयरिंग किस कपड़ों पे सबसे अच्छा होता है उसके बारे में पूछा गया है ऑप्शन ए है जर्सी ऑप्शन बी है कॉटन ऑप्शन सी है नाइलॉन ऑप्शन डी है पॉलिस्टर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जर्सी देखिए जर्सी का कपड़ा जो होता है मुलायम होता है उस पर सीयरिंग बहुत अच्छी तरीके से बैठता है इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टक्स देखिए इसमें टक्स का पर्पस पूछा गया कि क्या उद्देश्य होता है ऑप्शन ए है शेपिंग पर्पस ऑप्शन बी है डेकोरेटिव पर्पस ऑप्शन सी है फिटिंग पर्पस ऑप्शन डी है फिनिशिंग पर्पज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेकोरेटिव पर्पस सजावट का उद्देश्य होता है टक्स का इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट आर द फंक्शन ऑफ प्लीट्स देखिए प्लीट्स का फंक्शन पूछा गया है प्लीट्स का क्या का कार्य होता है ऑप्शन ए है डेकोरेटिव फ्लेयर एंड फुलनेस ऑप्शन बी है डेकोरेटिव ओनली ऑप्शन सी है फ्लेयर ओनली ऑप्शन डी है फुलनेस तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेकोरेटिव फ्लेयर एंड फुलनेस फ्लेयर को घेरे को सजाने के लिए और फुलाने के लिए पिट्स का यूज़ करते हैं इसलिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ डार्ट्स देखिए डार्ट्स की आवश्यकता क्यों होती है ऑप्शन ए है ट्रीम्स ऑप्शन बी है फुलनेस ऑप्शन सी है गैदरिंग ऑप्शन डी है क्लिपिंग तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फुलनेस फुलनेस के लिए डार्ट्स की आवश्यकता होती है इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट इज़ द एंगल फ्रॉम वार्प ऑफ वेफ्ट इज ट्रू बायस देखिए ट्रू बायस में वार्प ऑफ वेफ्ट का एंगल पूछा गया इसमें ऑप्शन ए है 30 डिग्री ऑप्शन बी है 90 डिग्री ऑप्शन सी है 45 डिग्री ऑप्शन डी है डिग्री तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फोर्टी फाइव डिग्री पैंतालीस डिग्री इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गारमेंट द स्लान पॉकेट इज यूज देखिए इसमें पूछा गया है किस कपड़े में स्लान पॉकेट का यूज किया जाता है ऑप्शन ए ट्राउजर ऑप्शन बी है शर्ट ऑप्शन सी है वेस्ट कोट ऑप्शन डी है टी शर्ट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्राउजर ट्राउजर में किया जाता है स्लैंड पॉकेट का यूज इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेक शेप देखिए यहाँ पे एक फिगर आप लोगों के सामने है यहाँ पे एक नेक का शेप है गले का एक डिज़ाइन है ठीक है उसके बारे में पूछे गए ये क्या है ऑप्शन ए है एलिपिकल नेक ऑप्शन सी है स्कूप नेक ऑप्शन सी है बोट नेक ऑप्शन डी एसमेट्रिकल नेक तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोटनेक देखिए ये बोटनेक है देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है ये कि नाव की तरह की आकृति बोटनेक क्या होती है नाव की तरह की आकृति इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ शेप देखिए यहाँ पे नेक शेप का नाम पूछा गया है देखिए आप लोगों के सामने एक फिगर दिया हुआ है उस फिगर को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए उस फिगर को देख के फिर बताइए कि इस कौन सा शेप है ऑप्शन ए है एलिपिकल नेक ऑप्शन सी है स्कूप नेक ऑप्शन सी है बोट नेक ऑप्शन डी है असमेट्रिकल नेक इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसमेट्रिकल नेक देखिए इसमेट्रिकल नेक वो होता है जो दोनों तरफ से एक बराबर इक्वल नहीं होता है. एक तरफ से कम एक तरफ से ज़्यादा तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर असमेट्रिकल नेक ये असमेट्रिकल नेक है इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन देखिए यहाँ पे एक काम दिया गया है उस काम को देखिए और काम को देख के पहचान करिए कि ये क्या है ऑप्शन ए है पाइपिंग ऑप्शन बी है फेसिंग ऑप्शन सी है बिंडिंग, ऑप्शन डी है बैंडिंग तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिंडिंग है ये इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इज़ द नेम ऑफ नेक डिज़ाइन देखिए यहाँ पे भी एक नेक का डिज़ाइन दिया हुआ देखिए ये सब जो नेक है ये इम्पोर्टेंट नेक है इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन लेके आती हूँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करती हूँ और फिर उनमें से देखती कौन सा आपके काम के लायक है तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है ठीक है देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को वट इज़ द नेम ऑफ नेक डिजाइन देखिए यहाँ पे नेक का डिज़ाइन पूछा गया है कि कौन सा डिज़ाइन है ऑप्शन ए है स्टेपेड ऑप्शन बी है की होल ऑप्शन सी है स्क्रूप ऑप्शन डी है राउंड तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी की होल देखिए ये की होल टाइप का डिजाइन है इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द नेम ऑफ़ पॉकेट देखिए यहाँ पे एक पॉकेट का फिगर दिया हुआ है इस पॉकेट के फिगर के बारे में पूछा गया ये कौन सा पॉकेट है आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से फिर देख के बताएगा ऑप्शन ए है वेल्ट पॉकेट ऑप्शन बी है पैच पॉकेट ऑप्शन सी है इनसीम पॉकेट ऑप्शन डी है फ्लैप पॉकेट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इनसीम पॉकेट देखिए ये इनसीम पॉकेट है फिगर भी देख लीजिए आप लोग फिगर देख के पहचान कर लीजिए क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है हो सकता है घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाए तो इसको देख लीजिए ये इनसीम पॉकेट है ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देखिए फ्रेंड्स अगर इसकी थ्योरी डिटेल में पढ़नी होगी आप लोगों को तो मेरे दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके आप पूरी की पूरी थ्योरी डिटेल में पढ़ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है आप लोग उस लिंक से मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को उस पर संडे संडे फ्री क्लासेस मिलेंगे और आठ बजे आठ पी पे वहाँ पर डेली ग्रुप में क्विज होता है क्विज के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एम सी के क्वेश्चन लेके आती हूँ जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की ज़्यादा उम्मीद है और भी स्टडी मटेरियल जो है वहाँ पे ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है जिसकी कोई फीस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोग लिंक लेके लिंक को जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा एंट्रेंस टाइम से ले कर सी करने तक का आपको वहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ठीक है चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट इज़ द नेम ऑफ पॉकेट यूज इन फॉर्मल शर्ट देखिए उस पॉकेट के बारे में पूछा गया जो फॉर्मल शर्ट में हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन ए है फ्लैप पॉकेट ऑप्शन बी है इनसीम पॉकेट ऑप्शन सी है स्लैश पॉकेट ऑप्शन डी है पैच पॉकेट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पैच पॉकेट हम पैच पॉकेट का यूज करते हैं फॉर्मल शर्ट में इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विस टाइप ऑफ जीपर प्लैकेट इज़ यूज इन हुडेड जैकेट देखिए इसमें पूछा गया है कि हुडेड जैकेट में हम किस प्रकार के प्लैकेट का यूज़ करते हैं ऑप्शन ए है इनविजिबल ऑप्शन बी है ओपन एंड ऑप्शन सी है लेब्ड ऑप्शन डी है फ्लाई फ्रंट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओपन एंड हम ओपन एंड जो है प्लैकेट का यूज़ करते हैं हुडेड जैकेट में इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीम इज़ यूज टू स्टिच जीपर प्लैकेट देखिए हम जीपर जो कौन सी सीम का यूज करते हैं सिले के लिए जीपर प्लैकेट को ऑप्शन ए है फ्रेंच ऑप्शन बी है लेफ्ट ऑप्शन सी है सिंपल ऑप्शन डी है बाउंड तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लेफ्ट सीम का यूज करते हैं हम लोग ठीक है इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैकेट इज सुटेबल फॉर पेटिकोट देखिए पेटिकोट में कौन सा जो है प्लैकेट सुटेबल रहता है सही रहता है उसके बारे में पूछा गया है ऑप्शन ए है टू पीस प्लैकेट ऑप्शन बी है इटालियन प्लेकेट ऑप्शन सी है कंटीन्यूस प्लेकेट ऑप्शन डी है जीपर प्लैकेट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंटिन्यूस प्लैकेट देखिए पेटिकोट के लिए कंटिन्यूस प्लैकेट सूटेबल होता है इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही इससे आगे के क्वेश्चन में जल्दी ही आप लोगों के सामने अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी बस इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू